हे गाइस, देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। और उन स्टूडेंट को शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, और जिनका नहीं हो पाया है वह थोड़ा निराश होंगे। देखिए दोस्तों, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। मेरा भी पेपर था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। काफ़ी उम्मीद थी मुझे इस एग्ज़ाम से कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर थी मेरी, और इसके अलावा काफ़ी उम्मीद थी मुझे कि क्वेश्चन डिलीट होंगे और उसका मुझे फ़ायदा भी होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, सिलेक्शन में नाम नहीं आया। इसका मतलब फ़ायदा इसका नहीं हो पाया है। आप में भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऐसा ही हुआ होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखिए दोस्तों, 70 सभी मान के चल रहे थे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो 70 के आसपास जाएगी। मैं ही नहीं, आप भी ये मान के चल रहे थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और भी स्टूडेंट्स हैं, सभी ये मान के चल रहे थे कि मैक्सिमम इसकी कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी और एक दो नंबर जो इससे बीपीडीओ की जाएगी। फिर अभी बीपीडीओ की मेरिट लिस्ट यहाँ पे दोबारा आएगी, क्योंकि वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास ट्रिपल सी है या नहीं है ये भी कुछ पता नहीं है, और अगर नहीं होगा तो नीचे कम से कम एक अच्छी मेरिट लिस्ट आएगी बीपीडीओ के लिए। तो खैर, यहाँ पे बीपीडीओ वाले हो बनाए, लेकिन बाकी और स्टूडेंट का सिलेक्शन लगभग ना ही है यहाँ पे और होना। बाकी दोस्तों, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन ना होना बहुत से कारण हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो सकता है, क्वेश्चन डिलीट फैक्टर हो सकता है, और कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। एक से ज़्यादा आंसर आयोग ने मान रखे हैं, किसी का क्वेश्चन मैसेज ऐसे भी आए थे कि आयोग ने गलत आंसर दिया है। जैसे एक दो मैसेज आए थे मेरे पास कि 21 महलों वाला था, जो तराई महलों को बांटा गया था 21 महलों वाला, एक क्वेश्चन वो था। फिर एक बकर वाला था कि जो चरवाहे था बकर वाला और पालसी वाला, तो ऐसे क्वेश्चन भी आयोग ने डिलीट किए हैं। उन क्वेश्चन को डिलीट नहीं करना चाहिए था। बकर वाले में तो आयोग ने दो ऑप्शन माने थे, जबकि तीसरे में उपरोक्त सभी भी था, तो ऐसे में स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए थे और उन्होंने उपरोक्त सभी किया था, लेकिन उसका उन्हें फायदा नहीं हो पाया क्योंकि आयोग ने ए भी दोनों मान लिया है और इससे नुकसान हुआ है। अब स्टूडेंट थक चुके हैं कि यार क्या पढ़े, कितना पढ़े। मैं भी दोस्तों आप सभी स्टूडेंट में से हूँ, लेकिन हार नहीं मान रहा हूँ और आपसे भी कहूँगा कि हार मत मानिए। सिलेक्शन एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, 10 बार में नहीं हुआ, चलो 50 बार में नहीं हुआ, तो होगा जरूर होगा, लेकिन थोड़ा अब रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, पढ़ाई की टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। मुझे मालूम है आप सभी ने आंसर की देख ली होगी, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, सभी हम भी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप कितने भी बार अगर गिरते हो तो आप उठते तो जरूर हो। आप 1000 बार गिरोगे, 1000 बार उठोगे, लेकिन ध्यान रखना, जब आप उठोगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप एक बार आप फेल होगे, दो बार फेल होगे, 10 बार आप फेल होगे, 15 बार फेल होगे, लेकिन मेहनत करते जाइए, अपनी थोड़ा रणनीति चेंज करते जाइए, एग्ज़ाम का जो कंटेंट है उसे थोड़ा और एनालिसिस करें और समझें। जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन स्टूडेंट से यहाँ पे राय लीजिए कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे, कौन सी कमी के कारण नहीं हो पाया है। हमसे यहाँ पे राय लीजिए, और स्टूडेंट से राय लीजिए, टीचर से राय लीजिए, आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, और उसके आधार पर अब आगे की तैयारी की एनालिसिस कीजिए। 1000 बार आप गिरते हुए कोई बात नहीं पड़ता, आप 1000 बार गिरोगे, 1000 बार प्रयास करो, 1000 बार उठो, लेकिन अगर आप गिरते हो और फिर उठने की सोचते नहीं हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, आपका सिलेक्शन फिर वहीं पर रुक जाएगा। आप इतने आगे आए ही क्यों थे जब आपको यहाँ पे अब रुकना था, आपको यहाँ पे निराश होना था। निराश होइए, रिजल्ट आया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आप निराश होंगे, लेकिन दोस्तों निराशा को आप छोड़िए, आगे की सोचिए। आपके पास और भी एग्जाम हैं, और भी आपके पास चांसेस है सिलेक्शन लेने के, तो एक अलग रणनीति बनाइए, मेहनत डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सकती है उससे ज़्यादा कीजिए। जितनी मेहनत आपने ग्राम विकास अधिकारी में की थी, अगर आपके 70 नंबर थे, 72 नंबर थे, तो उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए और कोशिश करिए कि आपके 75 से 80 के आसपास ही नंबर आए या इससे ज़्यादा ही आए। तो कोशिश ऐसे करिए दोस्तों, 1000 बार गिरोगे कोई बात नहीं, 1000 बार उठो, एक बार अगर आपने उठना छोड़ दिया तो फिर आप कुछ काम के नहीं रह जाओगे। आपने जो तैयारी की थी अभी तक वो धरी की धरी रह जाएगी। आप इतने आगे आ चुके हैं कि अगर आप अब पीछे मुड़ते हैं तो ये खुद आपके साथ बेईमानी होगी। पीछे मत मुड़िए, आप इतने आगे आ चुके हैं, इतने सफलता के आप इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है ना कि दूर से जब हम किसी चीज़ को मतलब देखते हैं तो हमें रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन रास्ता तब हमें नज़दीक आकर दिखाई देता है, रास्ते और तब आके नज़दीक से खुलते हैं जब हम उसके करीब पहुँचते हैं। तो आप भी रिजल्ट के, अपने जो सिलेक्शन है उसके काफ़ी करीब हैं। आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, अभी कनिक साहिब का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और भी आपके एग्ज़ाम हैं, उसका रिजल्ट भी आपका आने वाला है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जब आप सफलता के सबसे नज़दीक पहुँचने वाले होंगे तब आपके पास रास्ते खुलेंगे, तब आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बस मेहनत को थोड़ा बढ़ाना है, जो पढ़ने का तरीका है उसे थोड़ा बढ़ाना है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है उसे थोड़ा एनालिसिस करना है, उसे दोबारा करना है, प्रैक्टिस सेट करने हैं, पेपर्स करने हैं। तो मालूम है दोस्तों, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप जितनी भी बार पीछे हार चुके हो कोई बात नहीं,
आगे की राह देखिए, अपने सिलेक्शन का, अपने पढ़ने का मेथड, अपने पेपर एनालिसिस करने का मेथड, प्रैक्टिस सेट करने का मेथड, जो भी तरीका है उसे आप अपग्रेड कीजिए, उसे आप समझने की कोशिश करें। डबल ट्रिबल चौबल जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है, जितनी मेहनत आपने ग्राम विकास अधिकारी में की थी उससे कई गुना मेहनत आप यहाँ पे कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ज़रूर होगा। मेरा भी सिलेक्शन होगा यहाँ, नहीं तो कहीं और ज़रूर होगा, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला या मेहनत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आपसे भी कहूँगा कि आप भी मत छोड़िए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल आपका ज़रूर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी से कहूँगा, निराश मत होइए, सिलेक्शन आपका होगा, मेहनत करें, सिलेक्शन आपके बहुत करीब है, बहुत करीब है आपके सिलेक्शन, और आप मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, आपका सिलेक्शन होगा।